ओके स्टूडेंट, अब नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के अंदर हम केएस नंबर 2 को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, केएस नंबर 2। अब केएस नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि अगर आर ऑफ एन, इनके जो हमारे पास राइट साइड पे फंक्शन होता है, दैट इज आर ऑफ एन, हमारे पास क्या हो, बराबर हो साइन ए एन और या कॉस ए एन के, तो हम लगाएंगे केएस नंबर 2। अब केएस नंबर 2 कैसे लगेगा, सिंपली पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ ई इंटू आर एन की, आप क्या लिख सकता हूँ मैं साइन ए एन के लिए, कैसे लिखूँ साइन ए एन। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि साइन ए एन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/5 ऑफ ई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर आयोटा ए एन। ठीक है, एंगल जो भी हो उसका होगा, आयोटा थीटा होता है, ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा आयोटा ए एन। ठीक है, डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है साइन थीटा की या साइन ए एन की, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू ए एन। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं मतलब कि अलग अलग करूँ इसको, मैं अलग अलग कैसे करूँगा इसको, मैं ये देखें ज़रा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5 ऑफ e, ठीक है, e टू द पावर आयोटा a और होल पावर क्या है n। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/2 आयोटा को मैंने बाहर निकाल दिया और 1/5 e को मैंने दोनों के साथ अलग अलग लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/5 ऑफ e, ठीक है, और e टू द पावर माइनस आयोटा ए होल पावर एन। अब मुझे ये पता है कि 1/5 ई ए टू द पावर एन क्या होता है, 1/5 ए होता है। ठीक है, तो उस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, बिकॉज ई भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, तो क्या आएगा 1/2 आयोटा 1/5 ऑफ, कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट की पावर एन, इनके एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया मेरे पास ये, तो कॉन्स्टेंट सारे क्या है, ई टू द पावर आयोटा ए पूरा कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर आयोटा ए इज अ कॉन्स्टेंट इंटू ई टू द पावर आयोटा ए एन, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, एंड माइनस 1/5 ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट्स मीन कि हम सिंपली क्या करेंगे, साइन जहाँ पर आएगा साइन ए एन, उसकी यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसकी आप ये पुट कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस में क्या होता है, यहाँ पर कॉस में यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर आयोटा नहीं होता है। ठीक है, तो कॉस के लिए क्या हमारे पास बन जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, अगर कॉस ए एन फंक्शन होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 ऑफ ई इंटू कॉस ए एन के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/5 ऑफ ई टू द पावर आयोटा ए ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर आयोटा ए एन प्लस, कॉस में फॉर्मूले में प्लस आता है, 1/5 ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा ए ठीक है, और e टू द पावर माइनस आयोटा ए एन, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस के लिए। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि ये चीज़ आपको और क्लियर हो सही से।
ओके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व। वाई एन प्लस टू प्लस ए स्क्वायर वाई एन प्लस इक्वल टू कॉस ए एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि ये कौन सी है हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इसके सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि दो मेरे पास के पार्ट्स होंगे सॉल्यूशन के। वन फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन मेरे पास आएगा इसका, इसको पहले लिखता हूँ, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ पहले मैं इसकी सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन में डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई होप कि आप समझ जाएंगे इसको। ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में मतलब मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी। चलिए पर इसको पहले मैं उस फॉर्म में लिख दूँ, पहले के ये की फॉर्म में, फिर उसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। इसको लिख सकता हूँ ए ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू कॉस ए एन। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एम स्क्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए। ठीक है, तो इसके मेरे पास सॉल्यूशन के रूट्स क्या है, मेरे पास इसके कॉम्प्लेक्स नंबर आया रूट मेरे पास का, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन सी एफ इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, तो सी एफ गैमा टू द पावर एन। ठीक है, गैमा टू द पावर एन ए वन कॉस एन थीटा प्लस ए वन ए टू साइन एन थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसमें से गैमा निकालना है और थीटा निकालना है, तो इसको मैं यहीं पे निकाल देता हूँ साइड पर। गैमा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है भाई, जीरो का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, चलो अब लिख देता हूँ यहाँ पर, तो वैसे आएगा डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, इज इक्वल टू ए। ठीक है, और इसके अलावा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट दैट इज जीरो, सो देयर फोर ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाय टू। तो गैमा और थीटा फाइंड कर लिया, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी सी ए की फॉर्म लिख रहा हूँ। गैमा मेरे पास क्या आया था, ए आया था ए टू द पावर एन, ठीक है, गैमा एन ए वन कॉस एन, थीटा क्या था फाइव बाय टू, एन फाइव बाय टू प्लस ए टू साइन एन पाई बाय टू। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वही होगा, इसको शुरू करते हैं अभी। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन दी दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन
पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा इसका, सॉल्यूशन इज गिवन बाय पी आई इक्वल टू वन अपॉन, क्या था हमारे पास फंक्शन ऑफ ई, क्या था इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पर आर ऑफ एन जो भी है कॉस ए एन है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब कॉस ए एन का हमारे पास कैसे लिखा जा सकता है इसको, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मुझे पता है कि कॉस ए एन बराबर होता है वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस ए एन बराबर होता है मेरे पास ई टू द पावर आयोटा ए एन प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एन डिवाइड बाई टू इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके बराबर होता है, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिख देंगे क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा ए एन एंड प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टू द पावर एन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और मतलब कि मैं ई की जगह पर ई टू द पावर आयोटा ए पुट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू वन अपॉन टू वन अपॉन ई टू द पावर टू आयोटा ए एंड प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर आयोटा ए एन एंड प्लस वन अपॉन ई टू द पावर माइनस टू आयोटा ए एंड प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा एन ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखा देता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ई स्क्वायर क्या पुट करूँगा करूँगा तो ई टू पावर आयोटा ए, तो ये टू आयोटा ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का टू आयोटा ए हो जाएगा, इतना सा काम किया यहाँ पर हमने। अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू वन अपॉन टू, यहाँ पर ले लेता हूँ इसका मैं एलसीएम, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, ई टू द पावर टू आयोटा प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर टू आयोटा ए टू द पावर टू आयोटा ए प्लस ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस टू आयोटा ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, ई टू द पावर आयोटा ए एन को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई कराना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज़ कर सकते हैं एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, जब ये टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगी दोनों टर्म से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा ए एन
आयोटा ए एन माइनस टू आयोटा ए, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा ए एन एज इट इज आएगा, ठीक है। और यहाँ से अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एन प्लस टू आयोटा ए एंड प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एन, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वन अपॉइंट टू। अब यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो इनको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा डिनोमेटर के अंदर ही मुझे इसको, तो डिनोमेटर को मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसको मैं लिखता हूँ, डिनोमेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, ई टू द पावर आयोटा ए कॉमन आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर आयोटा ए इंटू एन माइनस टू, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इसकी बात करता हूँ, इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इस टर्म में मेरे पास कॉमन आ रहा है प्लस, थर्ड टर्म को पहले लिख रहा हूँ ई टू द पावर कॉमन लेते हैं माइनस आयोटा ए, तो अंदर बच जाएगा एन माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लस सेकेंड और फोर्थ टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आयोटा ए एन प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एन, और डिनोमेटर में जो है टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके पावर क्या बच जाएगी, जीरो, दैट इज़ वन, ठीक है। प्लस फिर फर्स्ट टर्म विद सेकंड टर्म मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल के ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टू आयोटा ए एंड प्लस ई टू द पावर माइनस टू आयोटा ए एंड प्लस ए टू द पावर फोर, तो जो है ये टर्म जो है इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, इसके बराबर आएगी मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ठीक है। चारों टर्म्स को नीचे जो भी टर्म आप उसमें दो एक्सप्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास ये जो टर्म्स आएंगी, चार टर्म्स आएंगी, तो उनसे मैंने इसको कॉमन लेकर तीन टर्म्स लिखी यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब मज़े इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मुझे क्या पता है यहाँ पर एक फॉर्म मुझे पता है यहाँ पर कौन सी यूज़ कर सकता हूँ, के कॉस ए एन कॉस, या तो इसको बोल दूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय टू। अब अगर आप इसको नोट करें ये टर्म ई टू द पावर आयोटा थीटा ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय टू मिसिंग है, ठीक है। तो क्या कर दें, इसको अगर मैं टू इधर मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरा टू कॉस आयोटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा, इस मीन ये मेरा बराबर हो जाएगा टू कॉस थीटा इक्वल टू ई टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू टाइम्स कॉस थीटा कितना आ रहा है, जो भी यहाँ पर आ रहा है थीटा आ रहा है यहाँ पर ए एन माइनस टू, ठीक है। ये पूरा मेरे पास थीटा है आयोटा थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यहाँ पर भी यूज़ होगी ये, यहाँ पर भी यूज़ होगी आयोटा थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा, और इसके अलावा ये यहाँ पर भी यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या है, टू ए है, तो इन सब जगह पर मैं यूज़ करता हूँ इसको, और नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ अगर क्या बन जाता है मेरे पास,
दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू टू कॉस टू कॉस ए एन माइनस टू, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा कॉस ए एन, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय जो था वैसे ही रहेगा वन प्लस टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही थी कॉस टू ए, ठीक है, प्लस ए टू दी पावर फोर, तो ये मेरे पास इन सब के ऊपर आइडेंटिटी लगी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो इन सब टर्म्स के ऊपर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर आ गया। सो तो मेरा ये क्या हो गया हमारे पास अब पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई मेरे पास ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर वन प्लस टू, अच्छा ठीक है कॉस यहाँ पर भी टू आएगा ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास सिंप्लीफाई होकर ये वन अपॉन जो टू है इसको ख़त्म कर देंगे, तो नहीं इसी स्टेप में ख़त्म कर देना चाहिए था लेकिन अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा सिमिलर कॉस ए इंटू एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एन, ठीक है, डिवाइड बाय वन प्लस टू ए स्क्वायर कॉस टू ए प्लस ए टू द पावर फोर, ठीक है। तो वाई एन इक्वल टू जनरल सोल्यूशन वाई एन इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो वाई एन मेरे पास क्या हो जाएगा वाई एन इक्वल टू सी एफ, क्या था इसके अंदर सी एफ नया निकाला होगा ये रहा मेरा, ठीक है, ये हमारा सी एफ था, सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा ए टू द पावर एन वाई एन इक्वल टू ए टू द पावर एन ए कॉस एन पाई बाय टू प्लस बी साइन एन पाई बाय टू सी एफ प्लस पी आई, क्या हो गया हमारे पास पी आई कॉस ए एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एन एंड डिवाइड बाय वन प्लस टू ए स्क्वायर कॉस टू ए प्लस ए टू द पावर फोर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास टोटल जनरल सोल्यूशन जो है फाइनल इसका ये हो गया।